आजकल कुछ एनालिस्ट जो हैं बड़े बड़े दानिश्वर, उनका ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो इलेक्शन के बाद दोबारा पाकिस्तान के सदर बनने वाले हैं। ये क्यों लोग सोच रहे हैं? सर, सदर के पावर्स तो मैंने दे दिए पार्लियामेंट पार्लियामेंट को को। अब वहाँ सदर में 5 साल, इसे बेहतर है कि मैं ग्राउंड में काम करूँ, पार्टी का दोबारा इवॉल्व करूँ, दोबारा पार्टी की हर जगह दफ्तर बनाऊँ, पार्टी की जो तो आप दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने में इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, नहीं है, हमें कोई एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच सकती है कि किसी को बना दिया जाए हमारी पार्टी से, मगर ये नहीं, मैं नहीं, पर्सनली नहीं बनना चाहूँगा। अच्छा, आप नहीं बनना चाहेंगे। इसकी सिर्फ सिर्फ वजह यह है कि अब प्रेसिडेंट के पास पावर्स नहीं है। पावर्स नहीं है, प्रोटोकॉल से रिस्ट्रिक्शन बड़ी आ जाती है, इंटरनेशनली बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर आप मूव नहीं कर सकते। मूव नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट से एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों को नहीं पता कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हो किसी और पार्टी का और फिर मैं हूँ प्रेसिडेंट, तो मेरी कोई जुबान की वैल्यू नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, यू नो, मूविंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। पहले तो प्राइम मिनिस्टर मेरा अपना था, ठीक है, तो उसके बावजूद यू नो एवरीबडी इन द जॉब इज प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर, तो आई कुड इन्फ्लुएंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक एक्सटेंट तक आदमी इन्फ्लुएंस कर सकता था। मगर ये तो अगर किसी और पार्टी का होगा तो वो तो बिल्कुल ही इन्फ्लुएंस नहीं होगा।